गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। अभी हम पहुंच चुके हैं दिल्ली, और दिल्ली में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यार। मतलब यहाँ की बिल्डिंगें काफ़ी अट्रैक्टिव है, बट उससे भी सबसे गंदी चीज़ हमें यहाँ की लगी वो ट्रैफिक और यहाँ का पॉल्यूशन बहुत गंदा है। जल्दी से मेट्रो पकड़ते हैं और फिर निकलते हैं हम। तो भाई अभी मेट्रो स्टेशन में पहुँच चुके हैं और अभी फ़िलहाल ऊपर जा रहे हैं। दिल्ली में मास्क बहुत ज़रूरी है, इसलिए मास्क लगा रही हैं। अब मेट्रो से हम जाने वाले आज वैशाली, और फिर वैशाली से निकलेंगे हरिद्वार। तो अभी हमने कार बुक कर लिया और अब हम लोग जाने वाले हैं हरिद्वार, जो कि दिल्ली से 240 किलोमीटर की दूरी पर है। और वहां तक जाने के लिए हमें कम से कम 4.5 से 5 घंटे लगेंगे, इसलिए उतनी देर हम कुछ नहीं करने वाले, थोड़े बहुत शॉर्ट लेंगे, उसके बाद जा रहे हैं सोने, क्योंकि मुझे आ रहा है नींद। वो देखो उधर गंगा जी बह रही है, और इधर भयंकर ठंड हो रही है, क्योंकि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि जब हम दिल्ली में थे वो तब वहाँ गर्म थी और यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है। होटल गंगाराम होटल चल वही ले आओ, तो घंटा पूरे दे तो हमारे से तेल गाड़ी अगर 20 मिनट में पहुंच जाए तो बात क्या। उत्तराखंड की जब ये सरकार है पौरी हरिद्वार। अभी देख सकते हो आप इस साइड है, और ये रात हो गया हम लोग पाने में, क्योंकि हम लोग दिन भर नहीं घूम रहे थे, सुबह चले थे मतलब दोपहर। और यहाँ सामने गंगा माता का मंदिर है, महाकाल का मंदिर है, और सत्यनारायण जी का मंदिर है। ओ भाई इतना ध्यान से क्यों देख रहा है, चलान लगाया क्या? मन तो मेरा भी, चलो लगाते हैं, देखते कौन सबसे पहले इस पास उस पार जाता हूँ। पुल है जो कि इस साइड से उस साइड जाने के लिए है, तो हम लोग अभी नहाने वाले। ठंड तो बहुत है, पर ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कि नहा लें, क्योंकि यहाँ आने के बाद नहाना है तो फिर बहुत बुरी बात है। मतलब आप चार धामों में से एक धाम पर आए हो और आप नहाओ नहीं, तो फिर तो फायदा ही नहीं। तो भाई हम आने के बाद नहीं नहाने वाले हैं, इन लोग की प्लानिंग चेंज हो रही है, पर मुझे नहाने का मन है। 2 मिनट इन लोग को आगे जाने देते हैं, कि मैं तो खुद जाऊंगा डायरेक्ट। स्नान नहीं किए हम लोग, पहले मुक्त हो जाएं। भाई अभी हम लोग आए हुए गमछी लेने के लिए, क्योंकि हम लोग के पास गमछा नहीं है, तो गमछी लेते हैं, उस पर निकलते हैं। बाका को बने बाका को ये हमारा घर पड़ा बहुत सी है। भाई अभी ये गमछे वाला हमारे भागलपुर का मिल गया, तो इसे चूना लगाते हैं। 200 का गमछा है, अब देखते हैं कितने में देता है, क्योंकि ये लोगों को चूना लगाने का काम करता है।
और हम बिहारी लोग हैं, इतना आसान नहीं है। देखते कितने में देता है ये गमछी, किलो ले ले। बढ़िया दुकान कर देने कहने पढ़ाई लिखे काम क्या बोला तूने? बढ़िया दुकान कर देने कहने पढ़ाई लिखे काम दुकान देने मुझे वहाँ काम कम मिला। तो भाई फाइनली हमें ये 70 रुपये का पड़ा है, 200 रुपये बोल रहा था और लास्टली 70 रुपये में आया है। आप इन सब चीज़ों से छोटू भैया 200 का गंची हम लोग को 70 में पड़ गया, बस वो समझ ही नहीं पाए। हम लोग भी बिहारी हैं, हम लोग को लूटना इतना आसान नहीं है, और वो भी अपने इलाका का था। तो भाई आप लोग जब भी यहाँ पर आओ घूमने के लिए या कहीं भी जाओ, तो आप मोल भाव कर लो, बार्गेनिंग कर लो, आप बार्गेनिंग से अच्छी प्राइस मिल जाएगी आपको, नहीं तो फिर लोग आपको ठग लेंगे। यहाँ पर हमारे साथ तो लोकल थे तो इसलिए हम लोग समझ गए, वरना हम भी 200 का गमछा लेकर आते 70 रुपये की। अबे यार कितनी तेज धारा है यहाँ पर, तो कैसे नहाएंगे? हर हर गाली नहीं, ओ भाई गाली नहीं, अब ब्राह्मण हो गाली मत दो, ये तेरे मजाक कर रहा है। भाई हम लोग गलत टाइम पर नहा लिए हैं, बहुत ज़्यादा ठंड है अभी फिलहाल, पर हम राम भक्त हैं इसलिए भगवा रंग लेकर के पहनने आए गए हैं। ठंड बहुत है भाई, क्या दलदला रहा हूँ मैं तो, हम जा रहा हूँ जल्दी से कपड़े चेंज करने, तो हम जल्दी से कपड़े चेंज करते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। दलदला रहा हूँ मैं तो, गलत टाइम पर नहा लिए एकदम। तो भाई हम नहा कर तैयार हो गए हैं फिलहाल, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, पर आग तो मिलेगी नहीं। देख लो अभी छोटू भैया जा रहा है नहाने के लिए और ये पंडितों से बात कर रहे हैं, ये जो ये भी बर्बी भाई। अभी हमें हर की पौड़ी में और हम दोनों ने स्नान कर लिया, हम तैयार हो चुके हैं, छोटू भैया भी नहा लिया है, तो अब नहाने के बाद क्या प्लान है? तो हम लोग अब जाते हैं खाना खाने के लिए। बहुत सुकून मिल रहा है, अब यहाँ से निकलते हैं हम लोग वापस, हरिद्वार को छोड़ने का वक्त आ गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, लेट भी हो गए हम लोग, तो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। इसी के साथ मैं अपना वीडियो खत्म करता हूँ, क्योंकि कल सुबह मेरे ऋषिकेश निकलना है, इसलिए हम अपना ब्लॉग आज ही यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कर देना और शेयर कर देना और नया सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।